हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 2022 के लिए हमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। उसका एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसका फॉर्म हम लोग कब से कब तक भर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि झारखंड में हमारी जो 2022 के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या क्या हमारा एज लिमिट और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट और बीएड होता है तो यहाँ पे हम उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे झारखंड में आया है, हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आया है, लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे झारखंड से अगर हम बिलोंग करते हो तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी को प्रायोरिटी देने का बात नहीं है, अगर हम इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल पे नया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आ चुके हैं हम अपने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे टीचर की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टीचर के लिए मैथ टीचर के लिए निकाली गई है और साइंस के लिए निकाली गई है और यहाँ पे भाषा के लिए निकाली गई है। या आप मैथ से होते हो, या आप विज्ञान से होते हो, या आप यहाँ पे भाषा यानी कि आपका जो भाषा होता है उससे होते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं इसमें हमारा जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए हमें बताया जा रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मिनिमम 50% अंकों के साथ स्नातक पास होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थी हैं तो उन्हें वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे हम बताते हैं कि चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे प्रशैक्षणिक अर्हता दी जाती है, यानी कि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या उसके समक्ष, जैसे कि आप बीएड या डीएलएड होते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ एक थे और आपके लिए क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप टेट पास होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखण्ड राज्य द्वारा 6-8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे हम ग्रेजुएट होते हैं उसके साथ साथ बीएड होते हैं और यहाँ पे टेट पास होते हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो टेट पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी उन्हें ही दी जाती है जो यहाँ पे टेट पास होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए हमारा क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारा जो है 35 इयर्स है, मैक्सिमम 35 इयर्स है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, UREWS और BC1 BC2 के लिए 38 इयर्स है। यानी कि आप फीमेल हो और अनरिजर्व कैटेगरी से हो, UREWS होते हो तो 38 इयर्स होती है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होते हो तो यहाँ पे आपको 37 इयर्स है। और यहाँ पे SC/ST फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स है। और यहाँ पे PWBD के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का दिया जाता है रिलैक्सेशन एज लिमिट में। और यहाँ पे बात करते हैं कि इसका फॉर्म हम लोग कब से कब तक भर सकते हैं। तो इसका जो है अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2022, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका फॉर्म भी मैं दूंगी तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे हमें अपना फोटो साटना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कर रहे हैं, अगर हम मैथ साइंस लैंग्वेज टीचर के लिए करते हो तो जिसके लिए आप करते हो लिखेंगे। और देवनागरी में अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है, नेम ऑफ फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड स्टेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस पिन कोड स्टेट, वही आपको सेम यहाँ पे करना हो अगर आप चेंज नहीं है आपका तो। उसके बाद हमें अपना डालना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए हमारा टीचर ट्रेनिंग या फिर अदर क्वालिफिकेशन होता है तो यहाँ पे हम डालेंगे।
और हम बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग का ही है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एबिलिटी टेस्ट यानी कि यहाँ पे टेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन करके अपना साइन करके उसके बाद जितने भी हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है उसका जीरोक्स और कोई इसके साथ पिनअप करके उसके बाद हमें यहाँ पे भेज देना है। भेजने का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पे हमें भेजना है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान SSA के कार्यालय में निलंबित डाक के माध्यम से भेजना है हमें। ये वैकेंसी आई है हमारे झारखंड के देवघर जिले से। तो अगर आप यहाँ के रहने वाले हो या आप झारखंड के कहीं से भी रहने वाले हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका मैं सारे डाउट को क्लियर कर दी हूँ। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए और कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर कहीं का मेरिट लिस्ट आता है उससे मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी। और इसमें जो आप टीचर बन जाते हो तो आपको यहाँ से निकालने वाला नहीं है, ये आपका परमानेंट जॉब ही रहने वाला है।